यहाँ से भी फिलहाल मैं राइट ले लेता हूँ और बाईपास ही चलते हैं आगे से, उस पार से मैं राइट लूँगा। ये रहा राजनांदगांव बाईपास जो कि बहुत खूबसूरत बन चुकी है, बहुत बढ़िया रोड बन गया है अभी फिलहाल। तो यहाँ से शिवनाथ नदी जाने के लिए रास्ता है शायद नीचे से, देखो हल्का फुल्का दिख रही होगी, ज़्यादा तो नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ से थोड़ा अपन इस रोड पर लेता हूँ मैं, और ये रास्ता। वेलकम बैक टू माई ब्लॉग चैनल, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, तो आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो पर आप सभी को दिखाने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज का वीडियो। मेरा नाम है कुणाल तिवारी और आप देख रहे हो विच ब्लॉग कुणाल 07 राइडर। तो मेरा क्या है भाई, बाइक राइडिंग में बहुत बढ़िया चैनल है और मैं बाइक राइडिंग करता हूँ और जगह जगह घूमता हूँ। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे पर रेड बटन आ गया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो और हमारे चैनल के सदस्य भी बन जाओ। अभी आप सब वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाली है। आज की राइड तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। फिलहाल मैं अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ और जर्नी कहीं ज़्यादा लंबा का नहीं है, जर्नी ये है राजनांदगांव बाईपास तरफ चलना है आज के दिन। थोड़ा काम भी है उधर, तो निकल गया हूँ अभी फिलहाल जामुल से। तो बस जस्ट थोड़ा आगे मैं हर्ष भाई को लेता हूँ, हर्ष भाई भी चलेंगे मेरे साथ और अपन दोनों निकल जाएंगे जैसे कि अभी फिलहाल। तो मोटो ब्लॉगिंग रहेगा आज के दिन, काफ़ी दिनों बाद मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है मोटो ब्लॉगिंग करने में। तो अभी फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, हर्ष भाई भी आ गया साथ से। तो अभी फिलहाल मैं नेहरू नगर जाने वाला हूँ, नेहरू नगर शॉर्टकट इधर से सूर्य मॉल होते हुए, और उसके बाद सीधा बाईपास पकड़ लेंगे। जल्दी अभी करीब करीब 12 बज गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, मैं तो 11 बजे से निकल गया था। कोटा पुलिया पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर कई सारे दुकान लगे हुए हैं कवर वगैरह का। तो ये पर भी पहुँच चुके हैं, मैं गाँव का 10 मिनट हो गया है क्योंकि आराम से जा रहे हैं हम, क्योंकि गाड़ी का लाइट जो है सामने का टूटा हुआ है पहले ही, काफ़ी सारी दिक्कतें पहले ही आ चुकी है, इसलिए हमें अभी और दिक्कतें नहीं लानी है और आराम से आनी है। और ये रहा रानिया वंती भाई चौक, और इधर से सीधा अपन सूर्य मॉल के लिए निकलेंगे, सूर्य मॉल नेहरू नगर होते हुए सीधा बाईपास ले लेंगे और इधर से सुपेला के लिए। काफ़ी ज़्यादा आज इस साइड मेरे को भीड़ भाड़ नज़र आ रही है पहले से। ये रहा अभी सूर्य मॉल चौक आ गया, और इधर सूर्य मॉल अभी नेहरू नगर के लिए निकलता, लेकिन नेहरू नगर से नहीं जा रहा हूँ मैं, इधर से सीधा निकल जाता हूँ मैं स्मृति नगर, स्मृति नगर से लेफ्ट ले लूँगा, सीधा आगे से बाईपास पकड़ लूँगा, नेहरू नगर जाऊँगा, फिर वहाँ से ट्रैफिक वगैरह बहुत सारा काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, उससे अच्छा मैं अभी फिलहाल स्मृति नगर जाके निकल जाता हूँ इधर से। तो ये वाला चौक से अभी फिलहाल स्मृति नगर लेफ्ट लेता हूँ मैं, सीधा डायरेक्ट यहाँ से जाते हैं, अंकल जी थोड़ा रुक जाओ थोड़ा, तो यहाँ से सीधा डायरेक्ट निकलते हैं। ये रहा स्मृति नगर का कुछ व्यू, और अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा स्मृति नगर में कैफे शुरू की चुकी है, होटल वगैरह और खाने पीने का अच्छे अच्छे जगह है यहाँ पे। तो इस कारण से यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट हो गया, स्कूल स्टूडेंट हो गया और काम वाले लोग भाई इधर ही कुछ नाश्ता पानी करते रहते, तो ज़्यादा भीड़ नज़र आती है स्मृति नगर। ये भी भिलाई का बहुत अच्छा जगह नगर बन गया है स्मृति नगर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट एरिया है, महंगा सिटी है, महंगा एरिया बन चुका है। तो यहाँ से अभी फिलहाल मैं राइट ले लेता हूँ और बाईपास ही चलते हैं आगे से, उस पार से मैं राइट लूँगा। रोड ख़राब है अभी फिलहाल। ये रहा राजनांदगांव बाईपास जो कि बहुत खूबसूरत बन चुकी है, बहुत बढ़िया रोड बन गया है अभी फिलहाल, ये थोड़ा ख़राब था लेकिन अभी फिलहाल देखो कितनी अच्छी हो गई है। इधर का प्लान भाई करोड़ों अरोड़ों रुपये में जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाईपास इधर बगल में है, काफ़ी ज़्यादा महंगे में जाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत रोड बन चुकी है अभी फिलहाल, सामने दिख रही है हमें डी मार्ट, और यहाँ पर क्या है शायद कॉलेज वगैरह है। अंदर से जाएंगे दुर्ग वाले रोड से अंदर ही अंदर, कितना ख़राब रोड मिलेगा, कितना ख़राब रोड मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा ये बाईपास से चले जाओ, कितना सुंदर रोड और कितना बढ़िया। और आगे टोयोटा का शोरूम है, आरोग्य आरोग्य करके हॉस्पिटल है ये, काफ़ी ज़्यादा बड़ा, और अभी फिलहाल इस हॉस्पिटल को बनाया जा रहे हैं, पूरा बना नहीं है अभी फिलहाल तो। और ये रहा दुर्ग जाने वाला, दुर्ग सिटी जाने वाला नीचे नीचे रास्ता है, और सामने आ गया हमारा टोल टैक्स, और हमारी तो कोई टोल कटेगी नहीं भाई साहब अभी फिलहाल तो। यहाँ
पर देख सकते हो ये सब टोल टैक्स का ही एरिया है और ये रोड अभी शायद बन रही है, देख सकते हो ये वाला रोड बन रहा है लेफ्ट वाला और अपन को राइट वाले में जाना है और ये वाला रोड बन रहा है। देखो पूरा वो वाला रोड बंधा हो गया है और वो वाला रोड अभी काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं बहुत अच्छे से और एक ही रोड में दोनों गाड़ी चलती हुई सामने देख सकते हो मेन नेशनल हाईवे NH 53 और यहाँ पर कुछ बन रही है और ये रहा स्टैंड। अभी इस पर फ़ोन लगाएंगे और उसके बाद फिर ऐसे भी शूट करेंगे जैसे भी शूट करेंगे गाड़ी चलाते हुए। तो अभी हर्ष अपने फ़ोन पे, भाई हर्ष भाई अपना फ़ोन पे इसको शूट चालू करने वाले हैं ऐसे पकड़ उकड़ के। तो अभी फ़िलहाल तो निकलते हैं बस 2 मिनट में, यहाँ पर स्टोरेज फुल होने के कारण से यहाँ पर रुके थे और ये पूरा दुर्ग है यहाँ पर जितने दूर तक नज़र जाएगी। तो फिर से अभी फिलहाल स्टार्ट कर दिया हूँ गाड़ी चलाने के लिए और स्टोरेज फुल होने के कारण अभी फिलहाल वहाँ पर रुक के भाई काफ़ी देर तक मैं स्टोरेज डिलीट किया हूँ पूरे सारे, काफ़ी सारे वीडियोज़ था मेरे पास काफ़ी सारे, तो पूरे अभी डिलीट करने के बाद फिर से अभी निकल गया क्योंकि फ़ोन से शूट करते तो ऐसे ही करना पड़ता भाई साहब। तमिलनाडु का गाड़ी है, तमिलनाडु 52R4784 गाड़ी नंबर लेते हैं। तमिलनाडु और आंध्रा तरफ यही गाड़ी चलता है लकड़ी वाला। ये रहा रोड के लिए सुरक्षा वाले, इन लोग घूमते रहते हैं, कभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो इन लोग घूमते ही रहते हैं नेशनल हाईवे पे। मेरे को एक बार डोंगरगढ़ से आ रहा था तो बस 2 मिनट के लिए रुका था, इन लोग पीछे से आगे कोई दिक्कत है क्या बैठे करके, मतलब सुरक्षा और भाई कुछ मदद चाहिए रहता तो इन लोग जरूर मदद करते हैं। पेट्रोल का भी दिक्कत हो तो पेट्रोल भी इन लोग देते हैं कि ये लोग पेट्रोल डाल दो। इतने सारे ड्रम लगे हुए हैं यहाँ पे देखो, ये रहा MH 05D के 4182 इस गाड़ी का नंबर और पूरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसे अच्छे अच्छे लिखे रहते हैं ट्रक के जस्ट पीछे में। अरे लड़की गाड़ी चला रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर्ष भैया नेशनल हाईवे पे मिली हमें लड़की जो बाइक चलाते हुए। और ये रहा शिवनाथ नदी, अभी हम लोग को यहीं तक आना था, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। शिवनाथ नदी दिखाते हैं आपको, इधर भी है शिवनाथ नदी समझ रहे हो। तो उस रोड पे थोड़ा काम चल रहा है थोड़ा बनाने का और ये वाला रोड में अभी फिलहाल आने जाने तो स्टार्ट है। तो यहाँ से शिवनाथ नदी जाने के लिए रास्ता है शायद नीचे से, देखो हल्का फुल्का दिख रही होगी, ज़्यादा तो नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ से थोड़ा अपन इस रोड पर लेता हूँ मैं और ये रहा शिवनाथ नदी देख सकते हो, और इस रोड पर चल रहे हैं। उस रोड पर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, बीच में रुकूँगा मैं थोड़ा, आप लोग अच्छे से दिखाते हैं शिवनाथ नदी दूरी का इस तरीके से है कुछ। अभी फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ राजनांदगांव बाईपास के ऊपर शिवनाथ नदी पे दुर्ग से बाईपास जाने के लिए। तो इस रोड पर अभी फिलहाल मैं आपको दिखलाने वाला हूँ शिवनाथ नदी कुछ इस तरीके से है सामने मेरे, जस्ट सामने में शिवनाथ नदी और ये रहा मेन हाईवे। अभी कहूँ हर्ष भाई वहाँ पर स्टोरी बना रहे हैं जैसे कि इस तरीके से, भाई मुझे भी मेंशन कर देना। तो गहराई ज़्यादा नहीं दिख रहा है मेरे को, गहराई ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है, देख सकते हो थोड़ा ही गहरा है, ज़्यादा नहीं है अभी पास में तो यहाँ पर, क्योंकि रेत ही रेत होगा। जैसे ही उधर भी पब्लिक नहा धो रहे हैं, इधर भी चारों तरफ, इधर भी सभी तरफ है नहाने धोने का व्यवस्था और कुछ इस तरीके से बढ़िया है यार, एक नंबर जगह है बहुत बढ़िया घूमने फिरने के लिए। तो अपन भी ऐसे घूमते फिरते आ चुके थे अभी फिलहाल। इधर देखो बाईपास दोनों रोड एक साथ है आने जाने का, क्योंकि उसके बगल वाला जो रोड है वो बन रहा है और वहाँ पर थोड़ा आगे में दिख रहा होगा ये रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे का जो जा रहे हैं ना वो इस रोड से आ रहे थे लकड़ी लेके, और हम लोग को देखे कि भाई लोग एंजॉय कर रहे तो कोई बात नहीं, फिर लकड़ी पूरा नीचे उतारे, फिर साइकिल गाड़ी से आगे लेके आए, फिर से रख के फिर से जा रहे हैं। भाई भाई को सैल्यूट है यार, समझने वाला आदमी बहुत कम है भाई। और अभी फिलहाल इस व्यू को छोड़ते हैं, निकलते हैं यहाँ से और ये रहा अपना हर्ष भाई स्टोरी बनाते हुए, देख सकते हो मेरा स्टोरी बना रहे हैं इस तरीके से।
हनुमान जी महाराज यहाँ से फिलहाल निकल रहे हैं, शिवनाथ नदी का भी दर्शन हो गया गंगा माता का, और विदा करते हैं इस जगह को और आगे निकलते हैं। और ये रहा सस्पेंशन ब्रिज, तो बस निकलते हैं आगे। ढाबा में चाय वगैरह पीने के लिए रुकना है अभी फिलहाल, थोड़े ही आगे में ढाबा है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ चाय वगैरह पियेंगे उसके बाद फिर निकल जाएंगे आगे के लिए। सामने यहाँ पर ढाबा मिल गई हमें, जस्ट सामने था मेरे को पता था, और छोटी ट्रक है, छोटी वाली ट्रक है, मिनी ट्रक दार ढाबा है, चाय मिल जाएगी तो देख लेते हैं यहाँ पर। ये छाँव में गाड़ी लगा देता हूँ मैं। सरदार जी ढाबा में बैठे हुए हैं और ये नेशनल हाईवे के जस्ट सामने ही है बस थोड़े दूर में, तो एक चाय मेरी यहाँ पर आ गई। हर भाई की चाय अभी लाने गए हैं क्योंकि वो थोड़ा दुकान गया था कुछ नाश्ता वास्ता लेने के लिए, खाने पीने के लिए। तो हमारी बाइक खड़ी है वहाँ रोड पे, तो वहाँ से ले लेंगे। तो ये है होटल ढाबा, जो मेन हाईवे पर ढाबा ही मिलेगी आपको। तो आप लोगों से वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक से कमेंट करके जरूर बताना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड बटन आ गया होगा, तो जल्दी से जल्दी हमारी फैमिली बन जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑलवेज, बाय बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बने रहें।